हाय एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू माई फर्स्ट ब्लॉग आज मेरा पहला ब्लॉग है थोड़ा सा नर्वस फील कर रही हूँ मैं आज ट्वेंटी सेवन्थ रोजा था आज तारी हम लोग कर चुके हैं तो दो तीन दिन बचे हैं मुश्किल से और ना ही शॉपिंग कम्प्लीट हो पाई है ना ही सफाई हो पाई है और घर के बाकी बचे काम भी अभी रह गए हैं तो आज हम सबसे पहले मेन काम से स्टार्ट करते हैं जो कि है ईद की सफाई और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है क्योंकि शहरी तक हमें सारी सफाई वगैरह कम्प्लीट करनी है तो सारी चीजें इंशाला हो जाएंगी शहरी तक तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैं किस किस तरीके से करती हूँ आप लोग भी चलिए मेरे साथ ईद की सफ़ाई हम सब मिलकर करते हैं सबसे तो पहले मैंने अपने रूम में बेबी का ये ड्रॉर क्लीन किया बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था ये देखिए बेबी स्टेशन भी गंदा है और ऊपर परफ्यूम्स की जगह भी गंदी है ड्रेसिंग टेबल आप देख सकते हो कितना गंदा है सच में बेड पर सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है और ये सब कुछ मुझे समेटना है और ये टी का पैनल और ये सोफ़ा ये मेरे हस्बैंड के कपड़ों से भरा हुआ है वो ठीक करेंगे इसको सबसे पहले मैंने डस्टिंग किया अपने रूम में उसके बाद यहाँ पर फ्रिज भी क्लीन हो रही थी तो उसका सारा सामान निकाल लिया था और ये देखिए शरारत किस तरीके से चल रही है साथ के साथ किचन भी क्लीन हो रहा था और जुहान बहुत ज़्यादा शरारत कर रहे थे और इसी तरह धीरे धीरे फाइनली हमने सहरी तक सारी सफाई कम्प्लीट कर ली थी और काफ़ी टाइम लगा और बहुत ज़्यादा थक गए थे सैरी के लिए भी लेट हो गए थे तो जल्दी जल्दी सैरी खाई और आप देख सकते हो पाँच बज चुके हैं नमाज़ फ़जर की हमने पढ़ ली है सैरी का टाइम भी ख़त्म हो चुका है और सोचा कि थोड़ा सा बाहर एक्सप्लोर कर लो तो बाहर देखा तो अभी उजाला नहीं हुआ था अभी अंधेरा ही था लेकिन फ़जर की नमाज़ पढ़ लोग वापस आने लगे थे और काफ़ी सुकून भरा माहौल होता है सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है रिलेक्स फील होता है बाहर देखते देखते ही सडनली मुझे एहसास हुआ कि सुबह भी होने लगी है हल्की हल्की और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी सफ़ाई करके और बहुत गंदा ही महसूस हो रहा था क्योंकि इतनी धूल मिट्टी के बीच में तो थोड़ा सा नाल आप देख सकते हो मेरे फेस और स्किन की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है सो गई थी मैं सोकर उठी तो ये डायपर बैग आया हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा टाइम से मुझे चाहिए था और फाइनली मैंने इसको बाय कर लिया बहुत प्यारा है ये शाम को अवतार के टाइम बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था और इधर हमारा अवतार भी लग चुका था मैं सोच रही थी कि इसके बाद या एक या दो रोज़े ही बस बचे हैं और जल्दी से पूरे हो जाएंगे यहाँ पर हम सब अवतार करते हुए और जुहान की शरारतें तो सच में कहीं नहीं रुकती बच्चे सब सबके ऐसे ही होते हैं ना आप लोग भी बताना मुझे कमेंट्स करके और यहाँ पे भैया भाभी आ चुके हैं मेरी त्योहारी लेकर मेरी ईदी लेकर और सब लोग बातें कर रहे हैं खूब सारी बातें करी खूब मस्ती की खाया पिया बाद वो लोग चले गए और मैं आपको दिखाती हूँ कि वो लोग क्या क्या लेकर आए थे तो ये जुहान के कपड़े हैं जारा के कपड़े हैं फरहान छोटा भाई उसके कपड़े हैं मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं ये शूज है मेरे हस्बैंड के एंड मेरे कपड़े हैं नौशी के कपड़े छोटी सिस्टर के दैन जुहान का कुर्ते हैं ये दो जुहान का ये भी है ये फूफी के कपड़े हैं ये फूफी की चूड़ियाँ हैं ये फूफा के कपड़े हैं और ये मिठाई के डब्बे नौशी के कड़े है उसके बाद ये दोनों मेरे कड़े हैं और ये है मेरी प्यारी जारा के कड़े मम्मी डैडी नहीं आ पाए थे इस बार तो थो थोड़ा सा अपसेट भी फील हो रहा था ये बसर्फ एक्सल के 12 किलो है ये शुगर 25 किलो है और विम बार की पूरी पेटी है ये सारी दालें हैं दो दो किलो उसके बाद ये हारपिक है डिश वॉशर है और सारे सोप्स वगैरह हैं कुछ सेट करके शूट करना भी एक बहुत बड़ा काम है ये सारी दालें हैं सारे खड़े मसाले हैं पापा स्पेशली मेरे लिए अपने आप जाकर लाए थे मखाने हैं नारियल हैं उसके बाद है ये मैगी का पूरा बॉक्स उसके बाद चावल है ट्वेंटी ट्वेंटी के जी बासमती और सेला और साथ में है ऑलिव ऑयल बाद ये सारी चीजें स्पेशली मेरे और बच्चों के लिए हैं बॉर्नविटा ग्रनुला कॉर्नफ्लेक्स और टॉफी चॉकलेट्स बहुत सारी चीजें उसके बाद ये सोप्स और ये मिठाई और फेनी वगैरह भी थी सरसों के तेल का पूरा कंटेनर है आटा हंड्रेड के और कापेड और सारा ने भी हमारे साथ सहरी की शूट करने में और सारा सामान सही से रखने में, में बहुत ज्यादा टाइम लग गया बस दिद्दा? आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब